अल्लाह मई यूटी फैमिली कैसे हैं जी सब उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी ठीक हैं अल्लाह ताला का शुक्र है जी ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी तो आज का हमारा खूबसूरत दिन स्टार्ट हो चुका था और यही खूबसूरत दिन के साथ हम अपनी वीडियो का जो है ना आगाज करते हैं और यहां पर आज मैं कह रही हूं कि बस जब दाल और इन चीज़ों से फरसत मिलती है तो साथ ही प्रोटीन की तरफ आ जाए जी आज फिर चिकन और चिकनी जिसको कहते हैं कि चिकन और चिकन ही हो गया था बच्चों ने बनवाए थे जी चिकन और वैसे घर में बना चिकन और चने और वैसे फुल चिकन भी बना ये पूरी रेसिपी आगे से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर पहले बनाने लगी थी मैं चिकन और चने आज वैसे ज़्यादातर बच्चे चिकन और दाल ज़्यादा शौक़ से खाते हैं लेकिन चने भी खा लेते हैं कभी कभी बने तो खा लेते हैं तो आज मैंने सोचा कि आज चेंज करते हैं थोड़ा सा चने डालती हूँ मैं इसके अंदर तो मैं बना रही थी बच्चों के लिए चिकन और चने इसमें मैंने सबसे पहले प्याज ब्राउन कर लिए थे उसके अंदर मैंने साबुत गरम मसाला मैं हमेशा जैसे कि मैं अपनी हर रेसिपी में चिकन और गोश्त से रिलेटेड जो होती है उसमें बताती हूँ कि मैं हमेशा गर्म मसाला साबुत गर्म मसाला डालती हूँ पहले ताकि उसकी वो जो स्मेल जिसको बोलते हैं वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है तो सबसे पहले मैंने प्याज वग़ैरह ब्राउन किए थे उसके बाद मैंने चिकन को अच्छी तरह से उसके अंदर उसका थोड़ा सा जब कलर चेंज हो जाता है चिकन का तो उसके बाद वैसे भी उसकी वो स्मेल भी थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपने देखा कि मैंने प्याज़ उसके बाद सॉरी प्याज नहीं मैंने इसके अंदर टमाटर जो थे वो ग्राइंड करके डाले हैं उसके बाद मैंने सारे मसाले जो हम डालते हैं रेगुलर मसाले जो होते हैं वो सारे मैंने डाले हैं उसके बाद मैंने चने डाले हैं तो ये देखे माशाल्लाह से हमारे चने जो थे ना इतने मज़े के बने थे बहुत ही मज़े के बने थे सब ने बड़े ही शौक़ से खाए तो अभी चने यहाँ पर जी हो रहे हैं हमारे रेडी तो मैं शुरू में ही आप लोगों को कह देती हूँ कि आप लोग प्लीज़ काइंडली जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर कर लिया करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें बेल आइकान ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आप लोगों को देखने को मिले और अगर आप मेरी वीडियो से कोई भी अच्छी बात कोई भी अच्छी चीज़ कोई भी अच्छी रेसिपी कुछ भी अच्छा सीखते हैं देखते हैं आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर मुझे एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट कर दिया करें ताकि मैं मैं मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊं और मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं तो यहाँ पर ये देखें जी आपसे बातें करते करते यहाँ पर हमारा चिकन जो था रेडी हो चुका था यहाँ पर आप नोट करेंगे कि ऑयल जो है बिल्कुल ब्राए नाम है जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैंने आजकल काम किया हुआ है जो भी मैं बनाती हूँ उसको कम ऑयल में बना रही हूँ तो क्योंकि बहुत से घरों में मैंने देखा कि चाहे जितनी भी हेल्थ ख़राब हो रही हो तो वो उनको ऑयल ऊपर जो टपकता हुआ ऑयल होता है वो बहुत पसंद होता है वो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है आँखों को लेकिन जो आपके अंदर जाके वो जो कुछ कर रहा होता है ना तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाइक जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा होता है और भी बहुत कुछ हो रहा होता है तो आजकल तो मुझे लगता है सभी को इस चीज़ की अवेयरनेस है और सबको ही पता होता है इस चीज़ का तो यहाँ पर ये देख लें हमारा जो चिकन और चने थे ना हमारे माशाल्लाह रेडी हो चुके थे बहुत ही मज़े के थे मैंने तो सिर्फ चने निकाल के चेक भी किए थे अभी शायद आगे आपको वो क्लिप मिलेगा तो मुझे तो बहुत ही मज़े के लगे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है अच्छा यहाँ पर देख लें कौन कौन ऐसे करता है कि वो अक्सर मैं जब छोटी थी अक्सर लोग ये करते हैं कि जब हंडिया बना रहे होते हैं उसमें तो मसाला जो बहुत मज़े का होता है मसाला जो है ना वो पहले निकाल के अगर बासी रोटी पड़ी है उसके साथ बहुत मज़े का लगता है मैं तो अक्सर किया करती थी अपने बचपन में तो यहाँ पर ये देख लें अभी आज मैंने भी दोबारा से वो मुझे याद आ गया अपनी अम्मी का घर मुझे याद आ गया तो वो मैं वही काम कर रही थी आज मैंने थोड़े से चने निकाल के जिस उस वक्त मैंने निकाले थे जिस वक्त मैं मसाला बना रही थी उस वक्त ये क्लिप मैंने बाद में डाला है लेकिन यह है कि मैंने उस वक्त निकाले थे जब मैंने उसमें पानी डालने से पहले मसाला जब बना रही थी क्योंकि चने ऑलरेडी बॉयल थे तो मैंने कहा चने मैं चेक करती हूँ कैसे बने हुए और बासी नान पड़ा हुआ वा था बासी का मतलब यह कि थोड़ी देर पहले का पड़ा हुआ था क्योंकि मैं ये बना रही थी रात को लंच डिनर में बना रही थी तो ये लंच के टाइम का था तो मुझे तो वैसे सुबह भी मैं खा लूँ तो मुझे बहुत मजे का लगता है बासी नान और मैं बड़े शौक से खा लेती रोटी हो या नान हो सुबह गर्म करके खाना चाहे ऑमलेट के साथ खाना चाहे आलू गोभी सालन कुछ भी बना हुआ हो उसके साथ मुझे तो बहुत ही मजे का लगता है और शुरू से मेरी आदत है कि मैं बड़े शौक से खा लेती रोटी अच्छा साथ ही मैंने कहा आज बनने लगा है मैं फुल चिकन बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि उससे पहले फुल चिकन बनाने से पहले ना चटनी पहले ही बना के रख देती हूँ क्योंकि जब वो बन जाएगा तो आई थिंक किसी से भी सब्र नहीं होगा सारे यही कहेंगे कि बस जल्दी से अब खा लो तो यहाँ पर ये देख ले फुल चिकन है इसको अच्छी तरह से कट लगा लें ताकि जब ये पक जाए ना तो एक एक बोटी आराम से आपसे ना उतारने में आपको मुश्किल ना हो आराम से उतर जाए सारी बोटियाँ जल्दी से अंदर तक मसाला जो होता है ना फिर अंदर तक जो ना होता है ना मसाला वो लग जाता है अच्छा यहाँ पर इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने टू से थ्री टेबल स्पून जो था थी योगट ली है उसके बाद ये देखें यहाँ पे तिक्का बोटी का मसाला है उसके ऊपर आपने देखा है कि चिकन भी बना हुआ है तो आप इसको यानी कि इस तरह का कबाबों के लिए ये भी और इस तरह चिकन अगर बना रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं वैसे मैं ज़्यादातर चरगे वाला यूज़ करती हूँ तो आज वो नहीं था लेकिन ये पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलिए आज यही डाल लेते हैं इसका भी टेस्ट इतने मज़े का था कोई फ़र्क नहीं फील हो रहा था वो कहते हैं ना कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि आपने वही डालना है तो तभी आपका अच्छा बनेगा तो यहाँ पर साथ ही मैंने स्पेशल मसाला डालने के बाद भी थोड़े से ये अदरक लहसन का के पाउडर वगैरह और ये सारे जो पाउडर वगैरह थे धनिए का और क्योंकि रेगुलर मसाले जो हैं इनसे और भी टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है और यहाँ पर लेमन जो है ना वैसे बड़ा ये हार्ड लेमन था लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे स्क्वीज़ कर लें इस तरह करके तो जल्दी से ये देखें कितना अच्छा लेमन निकल आया हाथों से करें तो निकलते ही कौन नहीं यकीन करें ऐसे लगता है इसके अंदर लेमन जूस है ही कौन है उसके अंदर तो अब देखें कितना ज़्यादा हालांकि हाफ़ लेमन था तकरीबन तो उसका कितना अच्छा जो था ना जूस निकल आया था ढेर सारा और यहाँ पर फूड कलर भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप डाल लेते हैं कई दफ़ा हम लोग जब बाहर खाने जाते हैं तो उनकी उनकी जो रेसिपीज़ होती हैं ना उनकी जो चीज़ें होती हैं डिशेज़ होती हैं वो हमें बड़े मज़े की लाग रही होती हैं तो वो इसीलिए लिए लाग रही होती हैं बड़ी कलरफुल लाग रही होती हैं क्योंकि उन्होंने ये कलर वग़ैरह यूज़ किया हुआ होता है हालाँकि हाइजीन का मुझे नहीं लगता क्योंकि खास ख्याल रखा जाता है तो घर में तो आपको पता है कि आप हमेशा हर कोई अपने घर में जाहिर जो भी बना रहा होता है हाइजीन का ख्याल रख के सफाई का ख्याल रख के हर लिहाज से स्पाइसिस का ख्याल रख के बनाया जाता है तो मैं भी उसी तरह बना रही थी माशाल्लाह से ये देखें यहाँ पर मैंने इसको सारे को लगा दिया था और मैंने ऐसे किया था इसको लगाने के बाद मैंने ना इसको मैंने इसको रात के लिए मैरिनेट पूरी ओवरनाइट जो था ना इसको मैरिनेट नेट किया था यानी कि मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था अब ये नेक्स्ट डे हो गया था तो वैसे मेरा इरादा तो था कि मैं बना लूँगी जैसे कि मैं आपको बता रही थी चिकन और चने बना रही थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना इसको नेक्स्ट डे पे बनाऊँगी ताकि ये मैरिनेट अच्छा सा हो जाए तो इसलिए मैंने इसको रख दिया था और मैं नेक्स्ट डे पे इसको बनाने लगी थी ये देखिए अब मैंने इसके अंदर रख दिया है और ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया ताकि वो स्टीम में अच्छा सा पक जाए अच्छा यहां पर देखें मैंने इसको तकरीबन दस से दस पंद्रह मिनट के लिए मैंने तकरीबन इसको हल्की आँच पे ना ज्यादा तेज आंच नहीं की हुई थी इसको रखा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो देखे ना उसकी मुर्गे की टांगे जो है ना मुझे लग रहा था कि अलग हो रही हैं शायद उसके साथ है क्योंकि वो इतना माशाला से गल चुका था वैसे तो मुर्गे की टांगे मुझे लगता है बांध देनी चाहिए मैं आजीशान को कह भी रही थी कि आज मैं इसकी टांगे बंद होगी कि कहीं भाग ना जाए तो उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था मैं मेरे साथ वही क्लिप ले रहा था जब मैं इसको मैरिनेट कर रही थी ना उस वक्त वो वो क्लिप ले रहा था और बहुत इन्जॉय कर रहा था और बड़ा खुश हो रहा था कह रहा था मम्मा ये तो क्योंकि वो बहुत ही कम इस तरह की रेसिपीज़ वग़ैरह मैंने कभी उनके सामने मतलब उसने कभी नहीं रिकॉर्ड वगैरह किया मैं खुद ही करती हूँ लेकिन आजकल जैसे कि मैंने बताया मैं उसके एग्जाम ओवर हुए हुए हैं खत्म हो गए हैं तो मैंने उसे कहा है कि चलो अगर किसी टाइम मुझे क्लिप कोई लेना हो इस तरह जल्दी से आके ले लिया करो कि बताया मैं अब स्टैंड रखूंगी और सारा कुछ वो करूंगी तो उसके बाद इतना टाइम लग जाएगा तो अक्सर वो मेरे साथ ना आजकल ले रहा होता है क्लिप और इस तरह मैं कहती हूँ कि मुझे स्टैंड नहीं रखना पड़ता और ज्यादा वो नहीं करना पड़ता स्पेशली जब मेरी मैरीनेट वगैरह कर रही होती हूँ उसके लिए स्पेशली मैं कहती हूँ चलो मैं मसाले वगैरह डाल रही हूँ तो तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो तो वो आजकल जो है ना जब तक वो घर है जब तक थोड़ी बहुत मेरी कभी कभी हेल्प कर देता है तो यहां पर देख ले माशाल्लाह हमारा चिकन जो था ए वन कितना साफ सुथरा कितना अच्छा लग रहा था लुक में भी कितना अच्छा लग रहा था और खाने में तो यकीन करें बहुत ही मजे का था अच्छा यहाँ पर ये देखें अभी मैं आपको ना इसको थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना गला हुआ है और कितना जूसी भी है और गाल भी किस तरह अंदर तक गया है अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी ये छोटी सी क्लिप जो मैंने ली थी ये मैंने शॉर्ट के लिए ली थी क्योंकि इसी में से कोई ना कोई क्लिप मैंने उठा के शॉर्ट पर भी लगानी होती है तो यहाँ पर ये देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह ये देखें किस तरह अंदर तक वो गला बहुत गर्म था अभी तोड़ा भी नहीं जा रहा था लेकिन बहुत ही मैंने अभी मैंने चेक भी किया था साथ ही तो बहुत ही मज़े का था अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं चिकन बना रही हूँ और इस तरह की चीज़ बना रही हूँ साथ ही बच्चे जो है ना पास्ता ना मांगे तो उसामा षान ने बोला था कि मम्मा हमारे लिए प्लीज़ हमारा चूना वाला पास्ता बना देना तो उनके लिए ये लिए देखे साथ ही मैंने पास्ता बॉइल किया एक साइड पे मैंने पास्ता रखा हुआ था और एक साइड पे मैंने ये चिकन बन रहा था तो साथ ही मैंने चिकन बनता गया तो साथ ही इनका पास्ता बॉइल हो गया था अब मैं इनका मैं जो ना पास्ता बना रही थी इनको इस तरह का प्लेन पास्ता पहले मैंने कितनी दफा बताया कि उनको पसंद है इस तरह का खाते हैं बड़े शौक से तो यहाँ पर उनका पास्ता भी बन रहा था मैंने कहा चलें ये होता है कि बच्चे बच्चों के उसके मुताबिक अगर बनाए ना चीज़ तो बच्चे शौक से खा लेते हैं और जब बच्चे शौक़ से खा लेते हैं तो माशाला से मामा मामा भी राज़ी हो जाती हैं खुश हो जाती हैं कि चलें बच्चों ने पेट भर के खाना खा लिया और अगर बच्चे खुश होकर ना खाएँ तो फिर बंदे को यही होता है कि खाना बनाने का या इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा कि अगर बच्चे आपके खुश होकर नहीं खा रहे बड़े तो खा लेते हैं लेकिन बच्चों का ज्यादा होता है कि बच्चों को अपने टेस्ट के मुताबिक यानी कि खाना कुछ भी बना हुआ हो वो उन्हें अपने टेस्ट के मुताबिक अच्छा इधर मैंने ना मैंगो स्मूदी जो थी ना वो बनाई थी तो इतने मज़े की यकीन करें बनी हुई थी मौसम भी आज थोड़ा सा बीच में आपको पता है कि यहाँ पे मौसम तो एक मिनट में गर्म हो जाता है और एक मिनट में यहाँ पे सर्दी हो जाती है मौसम कुछ ऐसे ही ठंडा था तो मैंने कहा चले मैं ना स्मूदी बना लेती हूँ मैं स्मूदी यहाँ पे इंजॉय कर रही थी बैठ के और साथ ही मैंने वो कहते हैं ना बाहर से आप जो भी मंगवा लो वो भी मैं हाइजीन की बात कर रही हूँ बाहर से हालांकि यहाँ पे हमारे तो बिल्कुल ही हमारे दरवाजे के पास से समोसे मिल जाते हैं क्योंकि रोड पे हमारा घर है तो सामने ही समोसों वाली शॉप है यानी कि वो जहाँ से सारा खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं होटल टाइप होती है लेकिन ये होती है कि जो आप घर में बनाते हैं ना मुझे अपने समोसे याद आ रहे थे मैंने कहा आज मेरा दिल था मैंने कहा मैं आज तो अपने बनाऊंगी समोसे बना के ही छोड़ूंगी तो यहाँ पर मैंने जी आलू वगैरह बॉय किए हुए थे और आटा भी मैंने आपने देखा शुरू में गूँध दिया सिर्फ उसमें मैंने ऑयल डाला नमक डाला है थोड़ा सा जीरा डाला और आटे को मैंने सख्त सा करके गूँध के रख दिया है और यहाँ पर मैंने आलू बॉयल किए हुए हैं और साथ ही मैं उसका मसाला बना लूँगी थोड़ा सा इसके अंदर आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और थोड़े से अब इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दी हैं इनको अच्छी तरह से हम भून लेंगे ऑयल बहुत कम डालेंगे क्योंकि अगर आप बगैर ऑयल के भी मसाला बना लें वो भी बड़ा अच्छा होता है लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं ना मसाले वाला बनाती हूँ ये देखिए सारे रेगुलर मसाले जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे जो घर की बात होती है ना यकीन करें वो एक अलग ही होती है और उसका एक टेस्ट भी अलग और बना भी देखें मैं बिल्कुल थोड़े से रही हूँ क्योंकि मैं मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी कि अपने हाथों के समोसे और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शौक है मैं जब इटली में भी होती थी ना यकीन करें हमेशा जो है ना वहाँ पर हमारी एशियन शॉप्स जाके हमें बड़ी दूर से जैसे कहते हैं ना सिटी में से जाके मिलती थी जैसे बंदा कहीं गांव में रह रहा हो और सिटी में जैसे इतना डिफरेंस होता था वहाँ पे तो वहाँ पे हम इतने दूर में रहते थे कि हमें मतलब ना इतनी इजीली मतलब ये चीज़ें नहीं अवेलेबल होती थी तो वहाँ पे तो मेरी यही आदत होती थी कि मैं हमेशा घर में तकरीबन वीक में पता नहीं कितनी दफ़ा इस तरह की चीज़ें बन जाती थी जलेबी घर में बना लेनी समोसे केक बेकिंग हर चीज़ मैंने वहाँ सीखी भी वहीं थी मैंने इवन के बच्चों की बर्थडेज वगैरह जो होती थी ना उनके जो केक होते थे ना वो भी मैं घर में ही बनाया करती थी तो वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट तो वो होती है कि प्रैक्टिस करते रहो तो आप परफेक्ट हो जाते हो तो कोई खुद खुद तो सीखा हुआ नहीं होता जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे आप आ, आपको एक्सपीरियंस होता है और आप काम अच्छा करने लग जाते हो मसाला आपने देखा कि कितने मजे का बना था आप मैंने लेमन जूस उसके अंदर जो डाला था ना यकीन करें उससे इतने मज़े का दिल कर रहा था कि ऐसे मसाला ही खा लो बस मैंने चेक किया था उसमें नमक मिर्चें मैं चेक कर रही थी इतने मजे का था तो ये देखें ईजी से तरीके से मैं बनाऊंगी ताकि ईजी मैथड्स मैथड्स से और छोटे छोटे समोसे बनाऊँगी तो मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा बना के ना चार समोसे यहाँ पे देखना एक ही दफ़ा हमारे जल्दी से बन जाएंगे इसको ऐसे मैं पानी लगा लूंगी पानी लगा के साइडों पर एक ही दफ़ा और ये फटाफट हमारे हमारे बन गए थे बस एक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बाकी फिर मैं जल्दी से ऐसे ही बना लूँगी तो ये देखें कितनी जल्दी सेकंड्स में जो था ना हमारा समोसा तैयार हो रहा था तो यहाँ पर मैंने सारे समोसे जो माशाल्लाह से तैयार कर लिए थे आठ समोसे थे तकरीबन छः सात आई थिंक समोसे थे क्योंकि मैंने आटा बिल्कुल थोड़ा सा गूँधा था क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही थी और वैसे तो हमारे यहाँ से जाओ और दो मिनट में ले आओ घर के पास से लेकिन मैंने कहा आज तो मैं अपने हाथों के बने हुए समोसे खाऊंगी और आज जब उसमें से बचे हुए भी थे तो कश्यप बड़ी खुश हुई कश्यप कह रही मम्मा ये मैं लेके कर जाऊँगी आज जॉब पर फिर वो भी जॉब पे आज लेके गई हुई थी और बड़ी खुश हो रही थी ये देखे हमारे कितने खस्ता और कितने मज़े के समोसे बन गए हैं थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ी है बस इतनी भी एफर्ट को नहीं करनी पड़ी मैं कह रही हूँ कि बहुत ईजिली बन गया और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है मैथड से बहुत ईजी मैथड आप इस तरीके से बनाएं तो फटाफट फट आप कितने ढेरों समोसे बना के रख दें एक आप रोटी से चार समोसे बना रहे हैं छोटे समोसे बनाएं ताकि खाने भी ईजी हों तो बड़े समोसे जो होते हैं बंदा कभी कभी कह रहा होता है कि चलिए बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं छोटे हों तो वैसे भी ईजी होता है और बच्चे स्पेशली बच्चे इस तरह छोटे समोसे छोटी चीजें देख के और भी खुश होते हैं तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी रेसिपीज आप लोगों को अच्छी लगी होंगी तो ये देखें यहाँ पर समोसा भी मैं आप लोगों को खा के दिखाती हूँ कितना ख़स्ता आपको नजर भी आ रहा है कि कितना ख़स्ता और मज़े का है हालाँकि ये कितने दिनों से हम यहाँ से मंगवा रहे हैं लेकिन वो ज़रा नहीं यकीन करें खस्ता ला करे होते इतनी उनकी अजीब सी वो वो सख्त सख्त होती है ये जो ऊपर से उसकी डो बनी हुई होती है ये देख लें माशाला से हालाँकि मैंने इतना टाइम भी नहीं लगाया और फटाफट बना लिए हैं इतनी जल्दी से तो वो बात होती है कि घर की चीज़ की बात ही क्या होती है जी तो ठीक है आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ओके बाय अल्लाह हाफिज